नमस्कार दोस्तों और वेलकम। क्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने हार्ड डिस्क को किस तरह से रैम बना सकते हैं। ये बहुत सिंपल मेथड है, आप बस चार पांच क्लिक से अपने हार्ड डिस्क को रैम बना सकते हैं। तो हार्ड डिस्क को रैम बनाने की ज़रूरत क्या है कि बहुत से यूज़र का प्रॉब्लम होता है कि उनका कंप्यूटर और लैपटॉप स्लो होता है, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखते हैं, तो पीसी का जो काम होता है वो स्लो हो जाता है। तो आपको मैं एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ जिससे आप अपने वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से आप अपना वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपना वीडियो पर यहाँ क्लिक करके या फिर यहाँ क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे भी आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हमारा चैनल आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, आपको हर तरह के एंड्रॉयड रिलेटेड और कंप्यूटर रिलेटेड ट्रिक्स आपको बता देता है, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आप अपना कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को किस तरह से रैम बना सकते हैं। तो विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज 10 हो या फिर विंडोज XP, सभी का प्रोसेस सब एक ही जैसा ही है। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप ये कर सकते हैं। तो पहले आपको ये करना होगा कि आपको अपने माई कंप्यूटर में जाना होगा। जी मेरा माई कंप्यूटर है, तो इसको इसके अंदर आप अपना राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम प्रॉपर्टी दिखाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा अवेलेबल रैम 2GB है, 2GB रैम दिखा रहा है, बट हम जो रैम बढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। एक्चुअली वो वर्चुअली रैम होता है जिससे आपके लैपटॉप की जो प्रोसेस होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो आप जब ये ओपन कर लो तब आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करना होगा। जिसमें आपकी ये एडवांस टैब खुल जाएगी, इसके अंदर परफॉर्मेंस के अंदर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एडवांस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दी गई वर्चुअल रैम, मैंने ये प्रोसेस ऑलरेडी करके रखा है इसलिए यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है वर्चुअल रैम, मैंने इसकी 10GB रैम बढ़ा दी है तो ये आपको ऑलरेडी दिखा रहा है, बट अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 0 दिखाएगा। इसके बाद आप क्या कीजिए, इसको चेंज बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ऑलरेडी इसमें प्रोसेस कर रखा है, मैंने ऑलरेडी वर्चुअल रैम बढ़ा रखी है इसलिए यहाँ पे ये इसे शो करा। तो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल डिवाइस पे यहाँ पे चेक होगा, तो आप क्या कीजिए उसको अनचेक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपके ड्राइवर शो करेगा, अभी मेरे पास तो 3 ड्राइवर है तो यहाँ पे 3 ड्राइवर शो करा। तो आप को जिस ड्राइवर को आपको रैम बढ़ानी है, रैम करना है, तो आप उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मुझे अगर इको करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। और हाँ, इसका मैं आपको बता दूं कि आप जब ये प्रोसेस करते हैं तो आपका जो ड्राइवर में डेटा होता है वो डिलीट नहीं होता है, तो आप कोई समझे मत कि मेरा जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, इस प्रोसेस से आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। तो आप जैसे कि आपने ड्राइवर सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, कस्टमाइज साइज पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको इनिशियल साइज डालना है MB में और मैक्सिमम साइज भी आपको MB में ही डालना है। तो MB यानी कैसा होता है कि मैं आपको बता दूं कि आप अपना पहले कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि 1 MB 1GB की साइज होती है 1024 MB इज इक्वल टू 1GB होता है। तो अगर आपको जैसे कि 4GB रैम बढ़ानी है तो आप इसको मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू आ गई 4096। आप इसको 10GB ले सकते हैं, 20GB ले सकते हैं, आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं। जैसे कि 4GB है, 10GB है, 2GB है, आप कैसे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे 10GB चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि 1024 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये वैल्यू मुझे MB में मिल जाएगी यहाँ पे। जैसे कि अब हम चलो करते हैं कि मुझे 4GB बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, 1024 मल्टीप्लाई 4 कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे MB में साइज मिल जाएगी 4096। वो जो वैल्यू है आपको यहाँ पे डालनी होगी, 4096 मैंने डाल दी। सेम मैक्सिमम साइज में भी आपको 4096 डालनी होगी, 4096। फिर आपको क्या करना है कि सेट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होगा। और नेक्स्ट प्रोसेस है कि आप जब आप ये प्रोसेस करते हो तो यहाँ पे एक शो करेगा कि आप अपना लैपटॉप रिस्टार्ट करने के लिए यहाँ पे दिखाएगा। जब आप ओके बटन पे क्लिक करते हो तो आपको वो रिस्टार्ट के लिए करेगा शो कि आप अपना लैपटॉप रिस्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही आपको वो रैम बढ़ा के दिए हो जाएगी। तो ये वेरी सिंपल मेथड है, आप अपने हार्ड डिस्क को रैम बना सकते हैं। उसके बाद ये कि ये
प्रोसेस जो है वो सीरियसली बहुत ज़्यादा वर्क करता है। मैंने खुद किया है कि मैंने खुद ये नोटिस किया कि मैं जब भी मेरे लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पे काम करता हूँ तो मेरा पीसी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है काम करते करते, और फाइनली वो हैंग होने लगता है। तो जैसे कि हैंग होने का जो प्रॉब्लम है इससे नॉर्मली निकल जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप प्रोसेस सीरियसली करके देखिए, ये डेफिनेटली वर्क करता है। अब जैसे मैंने अभी ओके पे क्लिक किया है तो मुझे वो शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी रैम मैंने वर्चुअल रैम बढ़ा बढ़ा चुकी है, मैंने पहले ये प्रोसेस कर दिया इसलिए मुझे नहीं शो कर रहा। लेकिन जब आप ओके बटन पे फाइनल क्लिक करेंगे तो आपको वो वर्चुअल रैम वहाँ पे दिखाएगा कि आप अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट कीजिए। आपको बस कंप्यूटर ओके बटन पे प्रेस करना होगा और आपको अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करना होगा। उसके बाद अगर आप अपने हार्ड डिस्क की साइज चेक करेंगे तो यहाँ पे जितना भी जीबी आपने वहाँ पे डाला है तो वो उतना जीबी वहाँ पे स्पेस भर जाएगा। तो बस ये बहुत सिंपल मेथड है। इसके बाद आप चेक कीजिए, खुद चेक कीजिए कि आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ी है नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ क्लिक करके वापस मैं आपको बता दूँ कि चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कर कीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी आप शेयर कीजिए, ये शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिलीज को। तो दोस्तों देखते रहिए और हमेशा शेयर करते रहिए जो ट्रिक के वीडियोस। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।